नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। रामनगर प्रखंड के मठिया पंचायत के मुखिया छोटी खां ने बताया कि पंचायत का सर्वांगीण विकास बनाना है, यहां तक कि पंचायत में जो काम नहीं हुआ है हम करेंगे। मुखिया छोटी खां ने बताया कि हमारा वादा नहीं इरादा है, वर्तमान सरपंच है, चुनावी माहौल चल रहा है, जनता का इरादा है छोटी खां को बनाना है मुखिया। काजू खां ने बताया कि छोटी खां गरीबों का महसिया बनकर आ रहे हैं, जनता अब की बार मौका दिया छोटे खां को, जो कि असहाय व्यक्ति को हर मौके पर खड़ा उतरा, इसलिए छोटे खां को कार्य अच्छा रहा। पंचायत में छोटे खां को नारे कुंज रहा है, हर व्यक्ति को मुंह पर छोटे खां। लाइव टीवी समाचार के लिए बेतिया से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। छोटे खां, पिछली बार मैं सरपंच पद पे रहा और अच्छा से काम किया, सभी लोग जानते हैं मेरे काम को, सभी लोगों ने सराहा भी, और फिर लोगों के कहने के हिसाब से मैं पंच अब इन साल मुखिया पद पर लड़ रहा हूँ। मुखिया पद पर आने के बाद हमको अच्छा करना है, ऐसा करना है कि इस पंचायत में एक नया सवेरा आए, सभी लोग खुशहाल महसूस करें। पहले का आलम ये था जो मुखिया जो होता था, जब किसी का इंदिरा आवास आता था तो उसके घर जब खबर जाती थी तो खुशी के बजाय उस गरीब को काफ़ी दुख महसूस होता था, उसको रोना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मुखिया जी काफ़ी मोटा रकम रिश्वत के रूप में मांगते थे, तो उसको बैल बकरी बच्चा बेच करके ब्याज पर लेकर के देना पड़ता था। मैं इसको बिल्कुल रिश्वत मुक्त पंचायत बनाना चाहता हूँ। जैसे माँ दुर्गा के जो हवन हुआ है उसमें सभी भूत पिशाच को दहन कर दिया गया है, उसी तरह इस पंचायत के जितने भी चोर चुहाड़ हैं सभी पंचायत के लोग मिलकर हमारा हाथ मजबूत करें और उनका भी इसमें दहन कर दिया जाए। मैं इसी के साथ सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे हाथ को मजबूत करें और मुझे आगे एक और अवसर दें कि मैं इस पंचायत के लिए अच्छा करूं और बढ़िया करूं, ताकि कोई गरीब अगर सुने कि हाँ मेरा इंदिरा आवास आया है, किसी तरह कोई लाभ आया है सरकारी, तो उसको रोना ना पड़े, कहीं किसी से कर्ज खोजना ना पड़े, ज़मीन गिरवी रखना ना पड़े। बस यही मेरा संकल्प है, ईश्वर ने चाहा तो पद मिली। मैं एक सामाजिक दुल्ला अंसारी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने सरपंच साहब के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि 5 साल में छोटे खाने जो पंचायत के लिए काम किया है, सिर्फ 5 केस 5 साल में थाने के अंदर गया है, और छोटे खाने 50,000-1,00,000 रिश्वत को ठुकरा दिया है। लेकिन छोटे खां इस पंचायत के लिए जो काम किए हैं, किसी गरीब का नहीं तो यहाँ के मुखिया प्रेजेंट मुखिया किसी का गरीब खोसी बेचवाए हैं तो किसी से ब्याज पर रुपया लेकर। इसका प्रूफ मेरे पास है कि मेरा एक ममेरा साला 24,000 रुपया अवरेज अंसारी दिया है, उसका ब्याज अभी पूरा नहीं हुआ। मनरेगा के अंतर्गत 9,00,000 रुपया पोखरा पे वसूला गया है, लेकिन उसमें 70,000 रुपया कुल खर्चा हुआ, लेकिन 9,00,000 रुपया उस पोखरा से उठाया गया है। मैं छोटे खां के बारे में इतना ही जानता हूँ कि अगर इस पंचायत के लोगों ने छोटे खान साहब को मौका दिया तो ये एक आदर्श पंचायत बनेगा, और यहाँ से घुसखोर और दलालों को भगा दिया जाएगा, और छोटे खां को हम लोग सब मिलकर इनका मदद करेंगे। के सरपंच के रीजन में 50-60 केस महीना में जाता था, यहाँ एक थाने का दलाल है जो दलाल 50,000 से 60,000 महीना कमाता था। अगर ये सरपंच साहब मुखिया में जीत गए तो उस दलाल को ऐसे खदेड़ा जाएगा कि ये दलाल गांव छोड़कर भाग जाएगा, भागने पर मजबूर होगा दलालू। तो सरपंच साहब को क्यों जिताना चाहते हैं आप? सरपंच साहब को हम इसलिए जिताना चाहते हैं कि 5 साल सरपंच रहते हुए इन्होंने 1 रुपया, अगर इनका विरोधी भी कह दे कि 1 रुपया इन्होंने घूस लिया है, तो मैं इस पंचायत को छोड़कर मैं चला जाऊंगा और सरपंच साहब का नामिनेशन मैं मुखिया से वापस दिलवा दूंगा। एक विरोधी भी कह दे कि इन्होंने 1 रुपया रिश्वत लिया है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।